गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे आई विल टीच एक्सरसाइज फर्स्ट एच. ओके, टेक आउट पेज नंबर 21. फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द बेस्ट एस्टिमेट फ्रॉम द पॉसिबल आंसर गिवन. फर्स्ट है ए, 3 × 52. पहले इसको एस्टिमेट करना है. एस्टिमेट करने के बाद में इसको मल्टीप्लाई करके आंसर जो आएंगे उसमें से चेक करना है कि कौन सा आंसर आपको राइट है, वही आपको इसमें टिक लगाना है. पर आपको नोटबुक में करना है. आप बुक में भी टिक लगाएंगे इसके आंसर और उसको नोटबुक में भी करना है. तो फर्स्ट वाला करते हैं हम, 3. अब 3 टेंस से स्टार्ट होता है. एस्टिमेट करते हैं हम, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड करते हैं. वंस का एस्टिमेट होता ही नहीं है, ये वन डिजिट का है, इसका एस्टिमेट नहीं होता है. तो उसको एज इट इज़ हम वैसे के वैसे लिखेंगे. नेक्स्ट वाला देखते हैं, 52. वंस टेंस, ये टेंस में है, मतलब इसको एस्टिमेट करना है. तो इसको कैसे करते हैं आप देखिए. वंस टेंस, टेंस के जस्ट पास वाले के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं. तो उसके जस्ट पास में है 2, मतलब कम है. मतलब ये 52 है तो 50 ही रहेगा इसका. अगर ज़्यादा होते हैं तो ये 60 होता. मतलब 2 है, कम है, तो 50 ही रहेगा इसका. एस्टिमेट करने पे इसका 50 रहेगा. सबसे ज़्यादा नियर 52 किस, सबसे ज़्यादा नियर किसके हैं, 50 के या 60 के? सबसे ज़्यादा नियरस्ट है 50 के. तो इसका आंसर क्या है, 52 द नियरेस्ट टेन इज 50. मतलब इसका 50 सबसे ज़्यादा नियर किसके है, ये 50 के. 3 का आपको बताया मैंने, ये वंस में इसको एस्टिमेट नहीं करते हैं. तो इसको एज इट इज ऐसे लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई और 52 का आया है 50. तो 3 मल्टीप्लाई 50 इज 150. तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आएगा 150. इसका आंसर है 150. अब इसमें से आप देखिए कौन सा आपका आंसर मैच हो रहा है. इसमें से 120, 150 या 180 जो राइट है उस पर टिक लगा दिया. आप बुक में तो टिक लगाएंगे और नोटबुक में इसको सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट है सी, 2 × 698. ये भी वंस में है, मतलब इसको एज इट इज़ लिखेंगे, इसको कोई चेंज नहीं करेंगे, इसको एस्टिमेट नहीं करेंगे. इसको एस्टिमेट करते हैं, देखते हैं 698. ये 100 में दे रखा है तो मतलब 100 वाले को चेंज करेंगे. अगर 100 में दे रखा है तो 100 को चेंज करेंगे, 1000 में दे रखा है तो 1000 को चेंज करेंगे, और टेंस में दे रखा है तो टेंस को चेंज करेंगे. ये 100 में है इसलिए वंस टेंस 106 इसको चेंज करना है. बस कुछ चेंज करना है तो जस्ट उसके पास वाले नंबर को देखना है कि ज़्यादा है कि कम है. 9 मतलब ज़्यादा है, तो मतलब 600 है, तो कितने बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे तो 700. इसका आएगा आंसर 700. इसको एस्टिमेट करेंगे, सबसे ज़्यादा नियर किसके ये 600 के या 700 के? ये 700 के सबसे ज़्यादा नियर है. 698 टू द नियरेस्ट 100 इज 700. सबसे ज़्यादा नियर किसके हैं, नियरेस्ट किसके हैं, 700 के. 2 को आपको बताया था एज इट इज़ लिखना है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 700 से. 2 × 700 इज आंसर इसका कितना है, 1400, मतलब 1400. इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 700 से, तो इसके आंसर आएंगे 1400. अब आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं, आंसर दे रखे हैं, उसमें से मैच करना है कि आपका जो आंसर आया है उसमें है या नहीं 1000, 1200, 1400. आपका आंसर मैच हो गया है, इस पर टिक लगा देंगे, बुक में टिक लगाएंगे और आंसर में इसको सॉल्व करेंगे. नोटबुक में इसको सॉल्व करना है आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एफ, 4 × 196. इसको भी ऐसे करना है, 4 को तो एज इट इज़ लिखना है. नेक्स्ट वाले को देखते हैं, 196. ये भी 100 तक ही डिजिट दे रखे हैं, तो मतलब 100 वाले को चेंज करना है. वंस टेंस 100 वाले को चेंज करना है डिजिट को. बस उसके जस्ट पास वाले नंबर को देख के चेंज करना है. उसके जस्ट पास में है 9, मतलब ज़्यादा है, तो मतलब 100 है, तो उसको ज़्यादा करेंगे, मतलब आगे बढ़ाएंगे तो 200 आएगा. तो सबसे ज़्यादा नियर किसके ये, नेक्स्ट किसके हैं, 100 के या 200 के, वो आपको यहाँ लिखना है. 196 टू द नियरेस्ट 100 इज 200. सबसे ज़्यादा नियरेस्ट किसके ये 200 के, तो आप लिखेंगे 200. आपको 4 को बताया था एज इट इज़ करना है, लिखना है, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 200 से, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको, एस्टिमेट करके मल्टीप्लाई करना है. तो 4 × 200 इज आंसर इसका क्या है, 800. आपने मल्टीप्लाई किया 4 को, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपने, 4 × 2 = 8. इसका आंसर है 800. अब जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं आंसर के, उसमें से आप चेक करिए इसका आंसर कौन सा है, 700, 800, 900. इसका आंसर मैच हो रहा है 800. तो आप 800 पे टिक लगाएंगे बुक में और नोटबुक में इसको सॉल्व करेंगे.
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, एस्टिमेट द प्रोडक्ट एंड वेरीफाई बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। इसको एस्टिमेट करके फिर आपको कैलकुलेशन करना है इसका। कैसे करेंगे आप? हम क्वेश्चन करते हैं बी, 45 × 67। 45 मतलब टेंस में दे रखा है, इसको 10 में दे रखा है, ये भी टेंस में दे रखा है, तो टेंस वाले को ही चेंज करेंगे। 100 में होता तो 100 को चेंज करते हैं, 1000 का होता तो 1000 में चेंज करते हैं। वंस टेंस, टेंस वाले को चेंज करना है, उसके जस्ट पास वाले नंबर के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं हम। तो देखेंगे कितना लिखा है इसके जस्ट पास में, 5, मतलब 5 है ज़्यादा है, मतलब आगे बढ़ेगा। 45 है तो ये 40 के सबसे ज़्यादा नियर है या 50 के, आपको पता है 5 है तो मतलब ज़्यादा बढ़ाएंगे, 40 नहीं 50 आएगा इसका आंसर। तो आप लिखेंगे इसका 50, 45 टू द नियरेस्ट 10 इज 50। सबसे ज़्यादा नियर किसके हैं, ये नियरेस्ट किसके हैं, 50 के, तो इसका हम लिखेंगे 50। 67 का भी इसी करना है, वंस टेंस, टेंस वाले को चेंज करना है, इसके जस्ट पास वाले के नंबर अकॉर्डिंग चेंज करते हैं हम। तो देखेंगे लिखा है 7, ज़्यादा नंबर लिखे हैं, मतलब 67 है, 60 है तो हम इसको 70 करेंगे हम। आगे बढ़ाना है क्योंकि नंबर ज़्यादा दे रखे हैं, 5, 6, 7, 8, 9 होते हैं तो हम आगे बढ़ाते हैं, तो 67 है हम इसको 70 करेंगे। सबसे ज़्यादा नियरेस्ट किसके ये 60 के या 70 के, सबसे ज़्यादा नियरेस्ट है 70 के, 67 टू द नियरेस्ट 10 इज 70, इसका हम लिखेंगे 70। इसको मल्टीप्लाई करना है, एस्टिमेट करने के बाद में जो आंसर आया उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 70 को 50 से मल्टीप्लाई किया, इसके आंसर आएंगे 3500। नेक्स्ट क्वेश्चन है एच नंबर, 715 × 377। ये 100 में है दोनों, तो मतलब 100 में ही आपको चेंज करना है। वंस टेंस 100, 100 को चेंज करना है, पर 100 जो 100 नंबर पे है, डिजिट पे है, उसके जस्ट पास वाले नंबर को देखना है, उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। उसके जस्ट पास में है 1 कम दे रखा है, मतलब 700 है तो 700 ही रहेगा। जब कम नंबर होते हैं तो उतने ही नंबर हम लिखते हैं, और 5, 6, 7, 8, 9 हो तो हम ज़्यादा करते हैं, मतलब आगे बढ़ाते हैं। तो 1 है तो मतलब 700 ही रहेगा, तो 750 सबसे ज़्यादा नियर किसके हैं, नियरेस्ट किसके हैं, 700 के। तो 715 टू द नियरेस्ट 100 इज 700, ये सबसे ज़्यादा नियरेस्ट किसके हैं, 700 के, इसलिए हमने लिखा 700। नेक्स्ट देखेंगे इसका 377, वंस टेंस 100, इसके जस्ट पास वाले के अकॉर्डिंग चेंज करना है। इसके जस्ट पास में है 7, मतलब ज़्यादा है, 5, 6, 7 मैंने आपको बताया था, 5 से ज़्यादा हो तो आगे बढ़ाते हैं। तो 300 है तो आगे बढ़ाएंगे, कितने देंगे, 400, 377 टू द नियरेस्ट 100 इज 400, सबसे ज़्यादा नियरेस्ट किसके है, ये 400 के, इसलिए इसका हम लिखेंगे 400। इसको मल्टीप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 400 को 700 से, इसका आंसर आएगा 2,80,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर, ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है, आपको बस ओनली फर्स्ट सेकंड करना है। मैंने आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाए थे उसमें आपको ए सी एफ, ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, ये भी आपको नोटबुक बनना है, और सेल्फ आपको करना है सी ई एफ, ये भी आपको नोटबुक में करना है। सेकंड क्वेश्चन में आपको मैंने बी और एच समझाया था, एक्सप्लेन किया था, इसमें आपको करना है ई एफ जी, ये आपको सेल्फ करना है। ओके, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, हैव अ गुड डे।